हिंदू धर्म में न सिर्फ भगवान बल्कि पेड़ पौधों को भी देवतुल्य मानने और उनकी पूजा करने का प्रावधान है। ऐसे ही पेड़ों में पीपल का पेड़ भी शामिल है, जिसके सामने दीप जलाकर हजारों श्रद्धालु मन की मुरादें मांगते हैं। मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर दीप जलाने से बाधाएं दूर होती है, लेकिन एक छोटी सी गलती परिणाम को उल्टा भी कर सकती है। इसीलिए पीपल के पेड़ तले दीपक जलाने से पहले कुछ नियमों को जान लेना बहुत जरूरी होता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का समय बहुत मायने रखता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल के पेड़ के पास सुबह और शाम के समय दीप प्रज्वलित करना बेहद शुभ माना जाता है। इसमें से किसी भी एक समय में दीप प्रज्वलित कर पेड़ की 7 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। जाने देवघर के ज्योतिष से कि पीपल के पेड़ पर किस समय जलाएं दीपक। जी, अक्सर लोग देखा जाता है कि अपने दोष से मुक्ति के लिए पीपल पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाने के लिए क्या सही नियम है और किस नियम से दीपक जलाना चाहिए? जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव। शनि महाराज की जब कुदृष्टि होती है या 7.5 होती है या कुंडली में शनि ग्रह खराब होते हैं, तो शनि महाराज की शांति के लिए पीपल के नीचे लोग दीपक जलाते हैं, लेकिन दीपक जलाने का सही समय पर ध्यान नहीं देते हैं, गलत समय पर जला देते हैं, जिसका परिणाम उसको शुभ प्राप्ति नहीं होती है, जिससे उसको कोई फायदा नहीं होता है। तो पीपल के नीचे जब भी आप दीपक जलाएं तो ध्यान रखें कि समय गोधूली बेला होनी चाहिए और गुरुवार और शनिवार ही पीपल के नीचे दीपक जलाएं। दीपक जलाने के समय ध्यान दें उसमें सरसों तेल ही डालें और सरसों तेल डाल करके गोधूली बेला में दीपक तले दीप जला करके 7 प्रदक्षिणा करें। इससे शनिदेव आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होंगे।